गांधीनगर में संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें बापू की शिष्या साध्वी प्रतिमा बहन द्वारा बच्चों को यह सीख दी गई, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे भगवान है, माता पिता की पूजा करने से सच्चा सुख मिलता है। आज संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल में मातृ पितृ दिवस मनाया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए संदेश? जी, हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का ये संदेश है कि भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अगणित है उपकार इनके, इस बात को तुम भूलना नहीं। मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को बापू जी की प्रेरणा से पूरे भारत दिवस में या पूरे विश्व में कल मनाया जाएगा। इसमें लाखों की संख्या में माता पिता पूजित होंगे अपने बच्चों के द्वारा। आज भारतीय संस्कृति से बच्चे दूर होते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को और अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, और ये बापू जी की ही प्रेरणा है कि वो पुनः संस्कृति की ओर बच्चे वापस आ रहे हैं। कभी राम जी थे कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, वो राम राज्य था, तो बापू जी पुनः राम राज्य को इस युग में लेकर आए हैं जो कि आज हम देख रहे हैं। और कल 14 फरवरी है तो पूरे विश्व में, पूरे आश्रमों में समितियों द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया।